ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल आम ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर सारी थे ठीक अच्छे जो थे कि आम कौन थी ना सर सात मिनट दसटा आरिथमेटिक क्वेश्चन आज आम अच्छे डे टू आउ ये सीरीज को आम कंटिन्यू करवा टिल आम जहाँ भी एक्जाम अच्छे बैंकिंग सेक्टर रे एक्जाम से सब थे तुमको हेल्पफुल रही ये सीरीज आम स्टार्ट करें बहुत ही मिनिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन सल्व करने ट्राए करवा तो बेस डेरी नक बर्तमान क्वेश्चन को जीवा कि आउ गोटे कथ अच्छे कौन ना लास्ट तीन टा क्वेश्चन तुम मैं छाड़ी होमवर्क जहाँ को तुमने सल्व करके आसवा एंड नेक्स्ट क्लास रे मुझे जिन कमेंट सेक्शन में तुम देखिए जमीन आंसर पोस्ट होती है जहाँ भी डाउट थोड़ा नेक्स्ट क्लास से तीन टा क्वेश्चन आम स्टार्ट करवा बुझा देन नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करवा ठीक अच्छे तो आरंभ करवा क्वेश्चन नंबर वन देख क्वेश्चन नंबर वन मत दला सर हरिराम स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड स्पेंड 20% मोर अमाउंट ऑन रेंट एज कंपेयर टू दैट फूड दैट मीन फूड रे जदि 15% खर्च करूला तो रेंट रे केते खर्च करिवो ना सर फूड रे जहाँ खर्च करूची ता ठारु 20% अधिक खर्च करिवो दैट मीन सर 18% खर्च करिवो टोटल केते खर्च हो गेला को ना सर 33% से ऑलरेडी कोन करचे ना सर खर्च कर सारी इफ ही सेव्स द रिमेनिंग इनकम व्हिच इज इक्वल टू 32160 दैट मीन रिमेनिंग इनकम केते रहला ता पाखरे ना सर 67% तो 67% रो वैल्यू मते केते देजी ना सर 32160 जदि आको हम कैंसिल करचे केते आसे मते कहो ना सर 67 4 जा देन 67 8 जा देन 0 मत पचार कौन ना व्हाट इज द इनकम सर 100% रो वैल्यू केते आबो तो परसेंटेज ये परसेंटेज कैंसल 100 रे मल्टीप्लाई करले केते आसीबो वैल्यू ना सर 48000 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्तमान क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 ए आउ बी रो प्रेजेंट एज रो रेशियो केते अछि ना सर 2:3 अछि देन तबर कोन दिछि एंड द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 6:7 बी आउ सी रो रेशियो केते अछि कोन सर 6:7 दैट मींस मते को ए बी सी रो कंबाइन रेशियो केते हम मो पखरे ना सर ए बी सी रो जदि हम कंबाइन रेशियो नै छै दैट मींस 4:6:7 काई ना एठी मो पखरे बी रो रेशियो 3 अछि एठी मो पखरे 6 अछि त रेशियो को मो इक्वल कर देले दैट मींस ए बी सी रो रेशियो केते आसलो 4:6:7 एबे वर्तमान क्वेश्चन को बढिबा कोन दैथिला इफ द आवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 17 ईयर मत वर्तमान को एठी रेशियो रे आवरेज केते आसीबो 7 6 13 4 17 17 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट रा वैल्यू केते दैछि मते ना सर 17 दैछि तो 1 यूनिट रा वैल्यू केते आसीबो को ना सर 1 यूनिट रा वैल्यू 3 आसीबो देन व्हाट विल बी द एज ऑफ ए 3 ईयर हेंस 3 वर्ष पर ए रो एज केते हबो मते पचारछि दैट मींस मते को एक रा वैल्यू जदि 3 हुए तो एठी मो पकर 4 रा वैल्यू केते हबो ना सर 12 देन 12 प्लस 3 ए रो एज केते आसीबो ना सर 15 ईयर ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाइथबो देखो क्वेश्चन नंबर 3 द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर पी एंड क्यू इज 4 पी आउ क्यू दुटा नंबर अच्छे जहाँ डिफरेंस मो पाखे केते अच्छे ना सर 4 अच्छे व्हाइल द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द गिवन टू नंबर इज 160 दुटा एक नंबर स्क्वायर डिफरेंस मो पाखे केते अच्छे ना सर 160 एबे मते को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कौन मो पाखे ना सर ए प्लस बी होल इंटू कौन हम ना सर ए माइनस बी इज इक्वल टू केते आसला ना सर 160 पी माइनस क्यू रो वैल्यू केते को ना सर 4 तो 4 रे को कैंसिल करले केते आसीबो ना सर 40 तो पी माइनस क्यू जदि 4 पी प्लस क्यू रो वैल्यू 40 हुए तो देखो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू केते आसला 4 पी प्लस क्यू रो वैल्यू केते आसला ना सर 40 तो जदि ए दुटा को इक्वेशन को ऐड करू छी तो 2p रो वैल्यू केते आसीबो को ना सर 44 तो पी रो वैल्यू केते आसीबो ना सर 22 जदि पी रो वैल्यू 22 आसला तो क्यू रो वैल्यू केते आसीबो ना सर 18 ठीक अछि मते क्वेश्चन पचार कौन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p दैट मींस 22 दुगुना केते गेला मो पाखरे कहो ना सर 2p इज इक्वल टू 44 3 अच्छा एठी क्वेश्चन टिके भूल अछि को 3q कर देबा ठीक अछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p एंड 3q क्यू रो वैल्यू केते अछि मो पाखरे ना सर 18 दैट मींस 54 तो टोटल आंसर ऐड है केते हबो मो पाखरे ना सर 98 दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ठीक अछि टिके एठी हमर प्रिंटिंग मिस्टेक थेला दैट मींस एटा क्यू हे जइबो पी हबोनी क्लियर क्वेश्चन नंबर 4 मते कोन दैछे क्वेश्चन नंबर 4 दला राहुल इन्वेस्ट ₹5500 इन ए बिजनेस फॉर 8 मंथ दैट मींस राहुल केते इन्वेस्ट करछे ना सर 5500 केते मास पे इन्वेस्ट करछे ना सर 8 मास पे जो ठीक राकेश केते इन्वेस्ट करछे ना सर 4000 केते मास पे इन्वेस्ट करछे मते जाना नहीं क्वेश्चन दला कोन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 11:8 जदि 11:8 हुए अच्छा मते गोटे जिनस को एठी 00 एठी 00 कैंसल 11 रे कैंसल करले केते आसबे ना सर 5 टाइम्स 5 रे को कैंसल करले केते आसबे 8 टाइम्स तो मते कह क्वेश्चन पचार थला कोन ना सर क्वेश्चन मते देई छी ये 8 ये 8 बे मोर कैंसल हो गेला क्वेश्चन पचार छी
फॉर व्हिच द राकेश इन्वेस्ट हिज मनी, राकेश केते मास पई त मनी के इन्वेस्ट करिचे, दैट मींस टी रा वैल्यूएट मो पर केते आसला ना सर, टी इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जीवा वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मते कोन दिचे ना, क्वेश्चन नंबर 5 देला इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, जदी न्यूमरेटर मो पखरे x अछि 200% इंक्रीज हला, दैट मींस 300% डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर केते दिजे डिक्रीज बाय 40%, दैट मींस वैल्यू केते हिजो ना सर 60%। तो नुवा जो फ्रैक्शन आसला मो पखरे केते ना सर 15/2%, ए परसेंटेज कैंसिल, 60 रा को कैंसिल करले 5 टाइम्स, 5 रा को कैंसिल करले 3, तो x बाय y रा वैल्यू केते आसीबो ना सर 3/2, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाइथबो। आगु बढ़बा क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6 मते कोन दिजे ना सर, क्वेश्चन नंबर 6 दला ए मोटर बोट टेक्स x आवर टू ट्रैवल 900 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, दैट मींस 900 किलोमीटर जदि से डाउनस्ट्रीम रे जाउचे, डाउनस्ट्रीम माने x + y, जोठि कि मोर बोट रो स्पीड थिबो ता सहित आउ कोन थिबो ना सर स्ट्रीम रो भी स्पीड मिसथिबो, क्लियर होउचे। आगो बढ़ो, एंड टेक y आवर व्हाइल ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, दैट मींस सेही 900 डिस्टेंस जिबा पई हि से केते समय नउचे मते कहो ना सर, जाउचे कोथर अपस्ट्रीम रे जाउचे जोथरे के टाइम नउचे कोन y। अच्छा मते को अपस्ट्रीम रा माने कोन ना सर, बोट रो स्पीड माइनस स्ट्रीम रो स्पीड, ताको हम कोन कहो ना सर अपस्ट्रीम बोली कहो। आगो बढ़बे वर्तमान, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, जदि स्ट्रीम रो स्पीड देखो, दैट मींस y रो वैल्यू मते ऑलरेडी केते दिछे ना सर 2 किलोमीटर पर आवर दिछे, स्ट्रीम रो स्पीड मते 2 किलोमीटर पर आवर दिछे। देन क्वेश्चन दिछे कोन ना सर, मोटर बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मींस बोट रो स्पीड केते दिछे ना सर, याठर 8 अधिक, दैट मींस 10 किलोमीटर पर आवर। तो मते वर्तमान कह, जदि मो पाखरे स्ट्रीम रो स्पीड 2 अछि, बोट रो स्पीड 10 अछि, तो डाउन स्ट्रीम केते हिजबो ना सर 12, तो याको कैंसिल करले केते आसीबो 75, प्लस अपस्ट्रीम केते हिजबो को ना सर 10 रो जदि 2 माइनस करछि, दैट मींस 8 है, याको कैंसिल करले केते आसीबो 112.5, तो 8 करले वैल्यू केते आसीबो मो पाखरे ना सर 187.5 आवर, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मते देछि कोन, वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डे देन ए बी सी टुगेदर, दैट मींस बी आउ सी जदि एक संगे मिसिकरी काम करूचंती, तो ए बी आउ सी ठारु केते दिन अधिक समय नउचंती कहो ना सर, 50% अधिक नउचंती, तो टाइम रो रेशियो केते आसीबो सर 3/2। जदि टाइम रो रेशियो 3/2 आसला, तो मते को एफिशिएंसी रो रेशियो इठी केते हिजबो ना सर, एफिशिएंसी रो रेशियो हिजबो 2/3। एति जिनस क्लियर, आगु पढ देन तापर कोन दिछे। देन क्वेश्चन देला, एंड ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 16/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टेक टुगेदर, ठीक अछि डाटा को माइंड रख। आगो को बढ़िबा, इफ ए बी सी ऑल हैव वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जदि ए बी सी एक संगे काम करूचंती आ काम सरिला पर्यंत पूरा काम को कंप्लीट करूचंती आ मिसिकरी करूचंती, बी हैज रिसीव्ड 120 आउट ऑफ टोटल अर्निंग 450, त माने जदि ए बी आउ सी मिसिकरी काम करूचंती जोटी 450 पाउचंत समान मिसिकरी, बी सेठी एकुटिया केते पाइबो ना सर, बी पाइबो 120। अच्छा मते को जदि मिसिकरी काम आरंभ होला आ मिसिकरी काम कंप्लीट होला, दैट मींस टंका जो डिस्ट्रीब्यूट होय मोर केवल आ केवल समानकर एफिशिएंसी रे रेशियो अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूट होय, या फिर समानकर एफिशिएंसी अनुसार ही हमर कोन होय ना सर टंका डिस्ट्रीब्यूट होय। तो मते को 00 कैंसिल होला, 3 रे कैंसिल करले 4 सर, 3 रे कैंसिल करले केते गेला 15। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी रे एठी एफिशिएंसी 15, एठी ए प्लस बी प्लस सी रे एफिशिएंसी 3, एठी इक्वल कर दबा याको 5 रे मल्टीप्लाई कर दियो। तो मते देखो एठी क्वेश्चन देला कोन, बी आउ सी रो एफिशिएंसी केते अछि 10, एठी बी रो एफिशिएंसी 4, तो मते को बी रो एफिशिएंसी मते मिल गेला 4, तो सी रो एफिशिएंसी केते मिलबो ना सर 6, जदि सी रो एफिशिएंसी 6 हो गेला तो ए रो एफिशिएंसी केते हिजबो ना सर 5 हिजबो। क्वेश्चन कोन पचार छै, देन हाउ मेनी डेज डिड ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अच्छा मत गोटे जिनस कह, जदि ए बी सी 4, 5, 6 एफिशिएंसी, तो डे रो एफिशिएंसी केते हबो ना सर, सॉरी डे रो रेशियो केते हबो ना सर, जदि ए रो एफिशिएंसी जणा अछि, बी रो एफिशिएंसी जणा अछि, सी रो एफिशिएंसी जणा अछि, बस एको इनवर्स कर देला हमकु डे रो रेशियो मिल जाए, तो 6 × 4 = 24 कोन आसीबो ना सर, ए को 24 दिन लागुछि, तो टोटल काम केते हिजबो को ना सर, टोटल काम 120, जदि मिसिकरी काम करूचंती तो एफिशिएंसी मो पाखरे अछि केते ना सर, एफिशिएंसी मो पाखरे 15 अछि, तो केते दिन रे काम कंप्लीट करिवे ना सर, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर, 8 दिन रे काम हमर कंप्लीट हो जइबो, क्लियर अछि। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 मते देला कोन ना सर, 100 मेन वर्किंग 8 आवर ए डे, अच्छा 100 मेन वर्किंग 8 आवर ए डे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी मेन
are required to complete the work in 20 days acha kete men mate dorkar padibe 20 din re kaam sariba pai je ki 12 ghanta kaam karibe acha to 20 re ko cancel kale kete dabo na sir 5 12 re ko cancel kale kete dabo na sir 20 to 20 into 5 answer kete asibo 100 that means option number a is your correct answer badiba next question ko question number 9 dekho question number 9 virat played 16 innings and score some run In the 17 innings, he scored 85 run. That means 85 run se koruchi kete innings re 17th number innings re. And thus his average score is increased by 3. Acha dekha bartaman average score jodi increase hela. That means pratyek number re mor 3 lakh increase heithibo. To 17 ta innings re 3 lakh increase hele to value kete increase heichi. 51 re increase heichi. Kete badeibaru 85 badeibaru. To 85 ra ko minus kor dele mote ko original average milijibo kete na sir 34. एबे एवरेज इंक्रीज केते इथला 3 रो दैट मींस आंसर केते आसो ना सर 37 क्लियर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर बुझियौ जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो एग्जाम रे ए आंसर ही तमको अटेम्प्ट करिवार अछि आ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करिवार अछि ताकि विद इन टाइम लिमिट रे तम जेमते क्वेश्चन को सॉल्व करि परबो ठीक अछि सेहिति पई ही ये सीरीज हमर चली छि जे अरिथमेटिक क्वेश्चन रहबा और शॉर्ट टाइम रे हम क्वेश्चन को सॉल्व करिवा बेसी लेंथी टाइम नेबानी कम टाइम रे क्वेश्चन को सॉल्व करि हम क्लास को ऑफ करिवा लास्ट क्वेश्चन को जीवा लास्ट क्वेश्चन दे जी कोन ना सर पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर पाइप ए मोर गो टैंक को फुल कर जी केते घंटा रे ना सर 12 घंटा रे वेयर इट वर्क्स अलोंग विथ पाइप बी इट कैन फिल द टैंक इन 8 आवर जदे मोर टैंक बी सहित ये काम करू छी मिसि करी तो टैंक फुल हो जाउ छी केते घंटा रे ना सर 8 घंटा रे मते वर्तमान को एठी एलसीएम केते आसबे 24 एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी 3 ए रो एफिशिएंसी 2 ए प्लस बी रो एफिशिएंसी 3 दैट मींस बी रो एफिशिएंसी केते आसबे ना सर 1 आसबे क्वेश्चन दे छि हाउ मेनी आवर कैन पाइप बी फिल द सेम टैंक इंडिपेंडेंटली एकुटिया जदि काम करे मोर बी ताले केते समय रे फुल करिवो ना सर टोटल काम 24 थला तो 24 डिवाइडेड बाय 1 दैट मींस 24 आवर रे मोर टोटल टैंक कोन हेजो ना सर फुल हेजो क्लियर हो जे अच्छा तीनटा क्वेश्चन मु तुम मानको देबी स्क्रीनशॉट नेके रखि था जहां भी आंसर आसे तो कमेंट सेक्शन ने पोस्ट करिवो ये रहला तुम मान पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहला फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसे भाई ये तुम सेकंड क्वेश्चन देन ये तुम थर्ड क्वेश्चन ठीक अच्छे होप करू कि ये क्वेश्चन सब तुम मैंने सॉल्व करिवो और कमेंट सेक्शन में आंसर यार पोस्ट करिवो देन देखा हबा काली अगेन सेम टाइम रे अगेन देखा हबा ठीक अच्छे थैंक यू टाटा